तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पांचवा प्रैक्टिस सेट। और 10 से 12 मिनट के अंदर, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करेंगे, वो भी हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ। तो बता दूं कि ऐसा ही जो इजी एग्ज़ाम आएगा आपके एयरफोर्स में, तो पहले तो ऐसे ही आता था, लेकिन इस बार मान लीजिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, थोड़ा सा भी टफ होता है तो भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी आपको। तो मान कर चलें कि ऐसा ही एग्ज़ाम आपके आपको इस बार देखने को मिलेगा, चाहे क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिनके पास कोई प्रैक्टिस सेट बुक नहीं है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए और वैसे कर लें। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और मेरी आशा है कि आप इसमें 17+ क्वेश्चन सही करेंगे। तो पैसेज के जो 4 क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाद में, लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन है इसमें पैसेज के, वो हम बाद में करेंगे। और एक बात बता दूं कि अगर एयरफोर्स रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और चाहिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल, साइकोलॉजिकल या दोनों एग्ज़ाम आपने फिलअप कर दिया है क्या, एक पास करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके हैं वो चैनल पर आप जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए तुरंत लेकर आता रहूँगा, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती हैं वो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन पेसेज के लास्ट में करेंगे। चौथा क्वेश्चन है प्रीपोजिशन, पढ़ लीजिए आप इसे। सी वॉज फेमिलियर ब्लैंक द एरिया, जितने ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो सी वॉज फेमिलियर ब्लैंक द एरिया, तो इसका आंसर बताइए आप। तो अब आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है सी वॉज फेमिलियर विथ द एरिया, वह एरिया से जाना पहचाना है, कि फेमिलियर के साथ हम विथ ही यूज़ करते हैं, फेमिलियर विथ ही होगा। अगर प्रीपोजिशन से बचना है कि कैसे प्रीपोजिशन सही करें, तो न्यूज़पेपर या आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों पढ़ें, तब आप फिक्स प्रीपोजिशन से बच सकते हैं, ठीक है। अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन, अवर क्लास कंसिस्ट ब्लैंक 40 बॉयज, तो अपना क्वेश्चन चूज कर लीजिए, यह भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, आंसर चूज कीजिए अपना कंसिस्ट के साथ क्या लगता है, देखें अपना माइंड को थोड़ा सा चलाएं, तो कंसिस्ट ऑफ होगा, आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन सही होगा, कंसिस्ट ऑफ यूज करते हैं हम। यह भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि हमारे क्लास में जो है 40 लड़के होंगे। अब आता है छठा, कि बी अवेयर ब्लैंक पिक पॉकेट्स, तो यह तो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हैं वो ऑटोमेटिक अपने माइंड में क्लिक हो जाते हैं इनका आंसर। तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ, कि बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ यूज होगा इसमें। यह भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि जो पिक पॉकेट्स होते हैं वो जेब कतरों से सावधान रहें, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भी लोगों ने जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बुक भी अपलोड करने वाला हूँ, चाहे वो करतार की हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो SK की हो। और जिसके पास भी किसी भी, मान लीजिए आपके पास अगर PDF है किसी भी प्रैक्टिस सेट की, और आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो कि भाई मैं अपने दोस्तों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखते हैं और मुझे बताएं कि मेरे पास इस चीज़ की PDF है, और मैं आपसे कंटेक्ट करूंगा और वो PDF आपके दोस्तों तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन आपका सही होगा। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 प्रीपोजिशन मिलेंगी, लेकिन मैंने तभी तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि क्वेश्चन थोड़े से कम हो सकते हैं, किस प्रैक्टिस सेट में थोड़ी प्रीपोजिशन मैंने ज़्यादा डाली है, ताकि आपकी प्रीपोजिशन गलत ना हो। तो अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में, हिज पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड ब्लैंक हिम, तो यह भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में आपको हिंदी से ध्यान नहीं देना है, हिंदी को अगर माइंड में लाओगे तो आपका प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा, ठीक है, हिंदी मत सोचिए। डिस्गस्टेड विथ यूज करते हैं हम, डिस्गस्टेड विथ क्वेश्चन सही होगा, आशा करता हूँ यह भी आपका, ठीक है, डिस्गस्टेड विथ यूज करते हैं। अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मिसस्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, पहला है इमीडिएटली, फिर दूसरा है नेबर, तीसरा है गवर्नर, और चौथा है सीपरेट, तो अपना आंसर चूज कीजिए कि कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड इसमें है। थोड़ा सा कठिन है यह क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई कीजिए,
चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर, राइट आंसर है ए। इमीडिएटली में जो डी और आई के बीच में ए आएगा, जब आप यहाँ पर देखोगे ये आई है तो ए आएगा यहाँ पर, इमीडिएटली आएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन भी एरर का ही है। मिसस्पेल्ड वर्ड आपको देखना है कि कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड इसमें है। तो रिसीव, फेवरेट, प्रोग्राम या एकोमोडेट। एकोमोडेट होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे वर्ड लगा एकोमोडेट। एकोमोडेट आवास स्थान देना, किसी को ठहरने के लिए जगह देना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एकोमोडेट आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या रहा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, सी, कि प्रोग्राम में हम डबल एम का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है एक सेनोनियम, कि एसेंट का क्या होगा सेनोनियम। पहला ऑप्शन एग्रीमेंट, दूसरा एक्सपेक्टेड, तीसरा कंसेंट, चौथा है आइडिया। तो अपना आंसर आप चूज़ की लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम रहती है तो, मेडिकल की प्रॉब्लम है तो हम बाद 3 तारीख के बाद में ही बात करेंगे, 3 नहीं 6 तारीख के बाद में, जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे है, इसका आप जवाब दीजिए। तब मैं आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली कॉल करके आपको आप बता दूंगा कि कैसे, जैसे हाथों में पसीना आता है नौकनी से, कैसे पैर फ्लेट है तो उसका क्या करें। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। एग्रीमेंट का अगर आप ले तो समझौता, एक्सपेक्ट होता है स्वीकार करना, और कॉन्सेंट भी सहमत होना होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना होगा इसमें। वैसे तो चारों तीन आंसर इसमें मिलते जुलते हैं, लेकिन सी इसका राइट है। के बाद आता है डियर, तो डियर का क्या होगा, कि इसमें आप गलती कर बैठोगे मुझे लगता है। पहला ऑप्शन यंग, दूसरा क्लोज, तीसरा ड्यू और चौथा कॉस्टली है। डियर का मतलब होता है महंगा। तो पहला जवान है, दूसरा बंद है, तीसरा बकाया है और चौथा है महंगा, कॉस्टली। तो राइट आंसर इज डी। सही है तो बहुत अच्छा है। 12वां आता है कॉम्प्लेक्स, इसका भी सिनोनिम आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन डिफिकल्ट, दूसरा इजी, तीसरा कॉम्प्लिकेटेड, चौथा कलर। तो कॉम्प्लेक्स आपका राइट आंसर होना चाहिए, है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आसान है। और ऐसे ही आपको सिनोनिम्स और एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, 2 सिनोनिम एंटोनियम्स आएंगे। ठीक है, और वो ऐसे ही होंगे। तो इसका राइट आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल। कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड जटिल। इजी तो आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट कठिन हो जाएगा। ये दोनों डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, कि तो डिफिकल्ट मुश्किल है और एक कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, मतलब उलझा हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड भी उलझा हुआ होता है। तो आपको समझना होता है यहाँ पर। क्या बताया, 13 नंबर क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस फिलअप करना है, कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस क्या आएगा। द पोस्ट ऑफ ए पियोन हैज़ फॉलन ब्लैंक इन माई ऑफिस। पहला ऑप्शन है एम्प्टी, दूसरा है आइडल, तीसरा है वैक्यूम और चौथा है वैकेंट। तो चारों ऑप्शन के आपको हिंदी अर्थ पता होने चाहिए, और उपले वो जो वाक्य है इसकी भी आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। हिंदी इसकी है कि जो पोस्ट है वो पियोन की, वो क्या है, खाली है। तो अब इसमें एम्प्टी, एम्प्टी, आइडल, वैक्यूम और वैकेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। आइडल होता है बेकार, तो ये तो नहीं आएगा। वैक्यूम निर्वात होता है शून्य, उस ये भी नहीं होगा। तो एम्प्टी खाली है या ये वाकंट होगा, तो इसमें आप कन्फ्यूजन करेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर, कि जब भी कोई पोस्ट खाली होता है तो उसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, वाकंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एम्प्टी नहीं कर सकते, एम्प्टी तो मतलब कोई पानी है, कोई घड़ा खाली है, तो उसके लिए आप एम्प्टी का यूज कर सकते हो, किसी पोस्ट के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आता है आई हैव गोट ए न्यू ब्लैंक इन कोलकाता टू लिव इन। तो इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज आपको दूर कर दूंगा, ऐसा कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑफिस, दूसरा है हाउस, तीसरा है होम और चौथा है बिल्डिंग। तो अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। पहले आप इसको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कि आप देखिए ए और बी, तो आप ए और डी तो मुझे पता है आप गलत कर दोगे। ठीक है, अब कन्फ्यूजन आपको बी और सी में क्रिएट होगा। दोस्तों एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ कि आप पसंद करते हैं मेरी वीडियो देखना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट को, अपने जो भी भाई है आपका उसे बता दीजिएगा। तो आई हैव गोट ए न्यू ब्लैंक इन कोलकाता, तो होम और हाउस में से इसमें एक आएगा, होम आएगा या हाउस आएगा, इसमें आएगा हाउस। क्यों आएगा, क्योंकि
कि हाउस कहाँ पर यूज़ करता है, कि जब भी हम कोई बिल्डिंग का नाम लेते हैं, कि जब भी हमारे दिमाग में आता है कि हम अपने घर की दीवारों के बारे में, अपने घर की, अपना घर कहाँ पर है, किस जगह पर है, जब यह बातें करें तो वहाँ पर हाउस यूज़ करते हैं। तो इसने कहा कि मुझे घर मिला है तो वो हाउस है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मुझे भाई घर में क्या है, और होम जब भी वर्ड आपको सुनाई दे तो वो आपको याद आने चाहिए आपके घर के रूम की, जहाँ पर आपका बेडरूम है, जहाँ पर आपका बेडरूम में बेडशीट्स हैं, सोफे हैं। तो ऐसा आपको घर की फीलिंग आना चाहिए, जैसे आई हैव इट होममेड पिकल, तो वो होममेड की मतलब जहाँ पर आपको अपने घर की फीलिंग आनी चाहिए वहाँ पर तब भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे हाउस है तो घर को अगर हमने पेंट करवाया तो वहाँ पर हाउस यूज़ करेंगे। अगर गैस लीक और गैर आग लग गई घर में तो वो वहाँ पर हाउस यूज़ करेंगे, क्योंकि घर के ढांचे का भी उपयोग करें वहाँ पर। कि हम नया घर लेने की सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में आएगा घर का ढांचा आएगा, बाहरी ढांचा, कि ऐसा बड़ी सी बिल्डिंग होगी तो वो हाउस है। लेकिन घर की अगर कोई फीलिंग हो, जैसे कोई घर का खाना हुआ, तो वहाँ पर होम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर घर की ढांचे की बात करें कि ढांचा हमें मिला तो क्योंकि मुझे घर मिला है कोलकाता में, तो आपको ढांचा ही याद आएगा कि ऐसा शायद वो ऐसी बिल्डिंग होगी, तो वहाँ पर आपको हाउस यूज़ करना है। बिल्डिंग आपके दिमाग में ना आए, कोई और घर से रिलेटेड आ जाए तो वहाँ पर होम यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा होम और हाउस का जो कन्फ्यूज़न है वो, कि ये आप प्रीपोजिशन से मान भी सकते हैं। जो 15वां क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, कि इन द फंक्शन आई सेट ब्लैंक द चेयर पर्सन, इसमें क्या होगा कि फंक्शन में मैं चेयर पर्सन के बगल में बैठा, तो बाई और टू तो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो बिसाइड और बिसाइड्स में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, मतलब उस चीज़ के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है वो बिसाइड है, कि वो फंक्शन में मैं चेयर पर्सन के बगल में बैठा था। ठीक है, तो अब आता है 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि 16 नंबर क्वेश्चन है सी ब्लैंक द बुक ऑन द टेबल। इसमें आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि मैंने बुक को टेबल पर रखा। पहला तो ध्यान रखना है कि यह वाक्य पास्ट सिंपल का है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर्म। लाई का मतलब झूठ होता है, तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते। और जब भी हम, अगर कोई व्यक्ति भूमि पर लेट रहा है, मतलब हम सो रहे हैं ज़मीन पर, तो उसकी वो फॉर्म होती है वो होता है लाई, LIE, लाई, ले और लेन। ठीक है, लेन। तो यहाँ पर हम ले, पहला ऑप्शन ले यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यक्ति के लिए आता है, तो पहला गलत हो गया, सी गलत हो गया। ठीक है, अब लेन है, लेन भी हम व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, तो लेन भी नहीं होगा। तो पीछे बचा एक ऑप्शन लेड, इसके बारे में बताता हूँ कि ये होता है ले। तो आप, मैंने पहले भी कहा था ले फर्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते ले, और सेकंड फॉर्म होती है लेड, LAID, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु को क्षितिज में रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, लेड। अब बताया 17 नंबर क्वेश्चन, कि फैक्ट इज ऑफ्टन स्ट्रेंजर देन, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि सभी वर्ड इसमें मिलते जुलते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो आपको चूज करना होता है। इसमें आप बहस नहीं कर सकते कि भाई यह होगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, जो तथ्य हैं वो अजनबी होते हैं। राइट आंसर इज ए, फिक्शन की तुलना में जो तथ्य है वो अजनबी होते हैं, कल्पना। ठीक है, फिक्शन कल्पना आप मान सकते हो, यहाँ पर आप ड्रीम नहीं कर सकते, फैंसी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आता है ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ये क्वेश्चन मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया होगा, कि हमेशा बोलिए सत्य। तो इसमें क्या एरर है, एरर पार्ट इसके बी में है, क्योंकि जो टेल है वो टेल ए लाई होता है, टेल द ट्रुथ नहीं होता है। ट्रुथ को जब हम करते हैं तो हम उसको केवल स्पीक्स ही कर सकते हैं, तो पार्ट बी में आएगा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन, द बेल हैड रंग व्हेन आई हैड रीच्ड द स्कूल। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपको जब पढ़कर देखोगे हिंदी में बोलोगे, टेंस तो हिंदी में बोलना है, प्रीपोजिशन मत बोलिएगा, जब टेंस हिंदी में बोलेगा तो आपको आ जाएगा। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। तो हेड रैंक तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये पहुंच चुका था यूज, हमने बोला कि जब मैं स्कूल पहुंचा,
तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, हैड नहीं आएगा, वैन आई रिच डी आएगा सीधा। तो वो वाक्य जो आपने कहा था ना कि इसमें वैन को वो अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से बनते हैं वाक्य, तो वो पिछले प्रैक्टिस सेट में आया है, इससे अलग जो वाक्य है और ये दूसरे टाइप का वाक्य है, तो इसका पार्ट भी गलत है, इसका भी पार्ट भी गलत है। अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन, ए मैन एंड ए वूमेन वर सिटिंग अपोजिट मी, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए में वुमेन देखेंगे तो वुमेन के लास्ट में कर रखा है, वुमेन के लास्ट में ई कर रखा है, तो प्लुरल बना रखा है इसको, तो यहाँ पर ए होगा, वुमेन होगा, तो इसका पार्ट ए गलत है। तो अब चलेंगे हम अपने पैसेज की तरफ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है पैसेज, आप पैसेज में क्या करें कि इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पूरा पढ़िए, तो मैं आपको लास्ट में इसके आंसर बता दूंगा तीनों क्वेश्चन के। तो इस यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं अभी वीडियो को और इसे पूरा पढ़ें और इसके राइट आंसर चूज करें, तब आप देखें कि आपके 17+ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई इतने आसान एग्जाम में 17+ नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर करना इंग्लिश का। तो ठीक है, तो आपने अब बताता हूँ मैं इसके राइट आंसर आपको। तो पहले का आंसर है ए, दूसरे का भी ए और तीसरे का भी ए, ठीक है। अगर किसी पार्ट में एरर रहती है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसमें गलत भी हो जाते हैं, तो उसके लिए, क्योंकि ये पैसेज में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। कहीं कमेंट में आप कह दो कि भाई आपका एक क्वेश्चन गलत है, ये नहीं होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए ये 5वां प्रैक्टिस सेट था, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। कैसा लगा तो ये भी मुझे बता दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड आपको हर इन्फॉर्मेशन करेक्टली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है।